मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपअप में। तो हम बिहार कांस्टेबल लक्ष्य बैच 2021 में जुड़े थे साथ में और बहुत सारे पहले क्वेश्चन सेशन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन सेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और इससे एक क्वेश्चन से आपका चार आंसर आपको मिलता है। उसी वजह से ज्यादा क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के सेट को कंप्लीट करना। हम यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं और आप अपने घर में कुछ इंपॉर्टेंट सेट खरीद लीजिए मार्केट से, बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं और उसके सारे सेट्स को कंप्लीट कीजिए। इससे आपका एक सवाल बनाते बनाते उसमें आपका चार आंसर क्लियर होगा, मतलब चार क्वेश्चन आप क्लियरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के चलते हैं आज के पहले सवाल को देखते हैं। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय ऑप्शन ए लुईस पाश्चर, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन। हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी पैलेंटोलॉजी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स, ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी एम्फीबियन, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी मैमल। तुम्हारा आंसर क्या होगा? एम्फीबियन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिल जाता है। आंसर क्या होगा? एम्फीबियन में। और एम्फीबियन का एग्जांपल क्या होगा? फ्रॉग। और एम्फीबियन होता क्या है? एम्फीबियन वैसा ग्रुप का एनिमल होता है जो कि दो टाइप का लाइफ जीता है। कैसा? एक टाइप का लाइफ हो गया जो लैंड पे जिएगा और दूसरा वाटर में रहेगा, मींस टू टाइप्स ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी इंसेक्ट, ऑप्शन सी फॉसिल्स, ऑप्शन डी फंजाई। तुम्हारा आंसर क्या होगा? इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा है? इंसेक्ट हमारा ऑप्शन बी है। अगले सवाल को देखते हैं। Which of the following is a tapeworm? इन चार options में से आपका कौन सा option tapeworm का scientific name होगा? Option A Pasciola, Option B Psychostoma, Option C Tenia, Option D Introbus। तो क्या होगा? Tapeworm का जो scientific name है वो है Tenia solium। सिर्फ Tenia भी नहीं है, Tenia solium है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? टेनिया, ऑप्शन सी। अगले सवाल को देख लेते हैं। पिन्ना, पिन्ना क्या होता है? पिन्ना हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है। पिन्ना क्या है? एक्सटर्नल ईयर है। तो पिन्ना एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट इन एम्फीबियन ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी मैमल, ऑप्शन सी रेप्टाइल, ऑप्शन डी। तो ईयर किसके पास प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल ईयर मैमल्स के पास। ठीक है, और मैमल्स आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी मैमल्स। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियन मींस? ऑप्शन ए थ्री लाइव्स, ऑप्शन बी फोर लाइव्स, ऑप्शन सी टू लाइव्स, ऑप्शन डी वन लाइफ। तो एम्फीबियन अभी जस्ट बताया था कितना लाइफ जीता है? दो प्रकार का, टू लाइफ, एक लैंड और दूसरा वाटर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टू। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। Which of the following is not an example of an amphibian? इन चारों options में तो कौन ऐसा example है जो amphibian का नहीं है? Option A frog, option B seahorse, option C alligator, option D toad। तो seahorse जो है ये aquatic animal है, complete aquatic animal। हमारा answer क्या होगा? Option B seahorse। अगला सवाल देखते हैं। Lion, leopard and tiger are all species of which genus? Option A Solanum, option B Panthera,
ऑप्शन सी फेलिस, ऑप्शन डी टाइग्रिस। तो ये सारा ऑप्शन किसका है? पैंथरा का है। पैंथरा, टाइगर का नाम पैंथरा टाइग्रिस होता है इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो हमारा आज का आखिरी सवाल है। डैश इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल या फिर एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट को भी साथ साथ इंक्लूड करता है। कौन ऐसा फाइलम है जो कि एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और उसमें इंसेक्ट भी इंक्लूड है? तुम्हारा आंसर होना चाहिए आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए एनिलीडा, ऑप्शन बी क्वाड्राटा, ऑप्शन सी अर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी प्लेटिहेलमिंथस। तुम्हारा आंसर क्या होगा? अर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ, इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? मोलस्का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम क्लास में जल्दी मिलेंगे और भी ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, जैसे ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।